बताने जा रहे हैं खबर लखीमपुर से। लखीमपुर से बड़ी खबर, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। लखीमपुर से आपको एक खबर बता रहे, जहां शिक्षकों द्वारा छात्रों को बंधक बनाने का मामला था, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रांसफर रुकवाने को लेकर बंधक बनाया गया था, बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर से। और के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, के न्यूज की खबर से डीएम ने संज्ञान लिया है, बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर से। और डीएम ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ, बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर से, जहां छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, डीएम ने आदेश दिए। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, बीएसए के अधीनस्थ अधिकारियों की जांच पर भी उठे सवाल, लखीमपुर से खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर। लखीमपुर से इस वक्त खबर आ रही है, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को बंधक बनाने का मामला था, जिसके बाद अब डीएम ने संज्ञान लिया है, ट्रांसफर रुकवाने को लेकर बंधक बनाया गया था। के न्यूज ने एक खबर प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद अब के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ और डीएम ने इस बात पर संज्ञान लिया है, पूरे मामले पर डीएम ने संज्ञान लिया है। साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर से, जहां छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, डीएम ने आदेश दिया। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता आमिर रजा जुड़ चुके हैं। आमिर, शिक्षकों ने बंधक बनाया था, पूरा मामला था और के न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद आज डीएम ने संज्ञान ले लिया है। देखिए, जिस तरीके से ये खबर आई थी कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्र जो वहां शिक्षक है, उन्होंने स्थानांतरण को रोकने के लिए इस तरीके की घटना की है कि वहां पर जो 20 छात्र थे, छात्राएं थी, उनको बंधक बना लिया था। इस बात की खबर मिलते ही इस घटना में लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, तत्कालीन वहां पर जो शिक्षिकाएं थी उनको निलंबित कर दिया था। लेकिन इस मामले में जो जांच कमेटी बनाई थी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, उस पर सवाल खड़े हुए थे उसको, क्योंकि उसमें जो जांच अधिकारी नामित किया गया था उसमें खंड शिक्षा अधिकारी बेहजम, खंड शिक्षा अधिकारी लखीमपुर, तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो कस्तूरबा गांधी संचालित किया था उसमें जांच कमेटी के ऊपर सवाल उठे थे। इस मामले को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया है और जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और जो जांच कमेटी है उसको 3 दिनों के अंदर जांच सबमिट करने की बात कही और कहा कि अगर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी आमिर, डीएम ने इस बात का संज्ञान लिया और अब क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या किसी को निलंबित किया गया है? देखिए, जो दो शिक्षिकाएं थी उनको निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा चूंकि इसकी जड़ में कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर आ रही, जो वहां पर जो भ्रष्टाचार होता है वो चीजें निकल कर आ रही, तो इस संबंध में जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले की जांच कराकर और इस पर कार्रवाई की बात कही। कहीं ना कहीं ये जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये तय होगा कि किस किस पर इस मामले में गाज गिरेगी, क्योंकि इस पूरे कस्तूरबा गांधी का संचालन बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो 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 महिला जो कन्या रेणु श्रीवास्तव है, जो समन्वयक जिला समन्वयक, उनके द्वारा किया जाता है। आमिर, लेकिन ट्रांसफर क्यों रुकवाया जा रहा था? बताते हैं कि जहाँ पर जो पूर्व में ये दोनों शिक्षिकाएं थी, इनका वार्डन से लगातार विवाद चलता है। वार्डन से किस बात को विवाद चलता है, सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर जो धन खर्च किया जाता है, जो यहाँ पर व्यवस्था है, इस पर यह शिक्षिकाएं दोनों लगातार अपने अपने स्वर मुखर कर रहे थे। इसी बात को लेकर वार्डन से और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनके उच्च अधिकारियों से उनका विवाद चल रहा था, उसी बात को लेकर इनका अचानक स्थानांतरण किया गया। इसी से आहत होकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं जांच के बाद पर्चे जरूर खुलेंगी कि जड़ में हकीकत जो असली बात है वो क्या है। जी आमिर, देखने वाली बात तो ये कि शिक्षक और वार्डन के बीच का विवाद था और बच्चों को बंधक बना लिया गया। हालांकि के न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद बड़ा असर हुआ है। तमाम जानकारी देने के लिए आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, लखीमपुर में शिक्षकों द्वारा बच्चों को बंधक बनाने का मामला था और जिसके बाद अब के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और डीएम ने के न्यूज की खबर चलाने के बाद डीएम ने संज्ञान ले लिया है।
के न्यूज की खबर का बड़ा असर, लखीमपुर से इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी।